देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें जिस न्यूज, और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। नमस्कार, HS न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं आचार्य विनोद भरद्वाज और आप लोग देख रहे हैं सुंदरता कार्यक्रम। आज एक विशेष टॉपिक लेके आया हूँ, क्योंकि पानी हमारे जीवन का आधार है। पानी से हम अपनी मनोकामनाओं को कैसे सिद्ध कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूँगा। निश्चित रूप से पानी में ऐसी ऊर्जा होती है जो ऊर्जा आपके मन को पकड़ लेती है। इसीलिए तो पहले पूर्वज कहते थे कि जो पुण्य आत्मा है उसके घर का पानी पीना। कोई अगर कोई अपराध कर देता था तो उसके घर का पानी लोग त्याग देते थे। आखिर में पानी तो एक ही नल से जाता था, एक ही नदी से जाता था, तो पानी में क्या दोष हो जाता है? मस्तिष्क के उन सूक्ष्म कणों को पानी पकड़ता है, अपनी ओर खींचता है। तमाम प्रकार से वैज्ञानिकों ने भी इसे सिद्ध किया है कि पानी आपके विचार को खींचता है। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा कि आपके जीवन में कहीं कोई समस्या चल रही है तो एक गिलास पानी आपकी उन समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। लेकिन इसके लिए कैसे प्रयोग करना है वो मैं आपको जानकारी देता हूं। एक मैं आपको वृत्तांत देना चाहता हूं, क्योंकि पानी हमारे शरीर के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। इस शरीर में 80% पानी है। मन, मस्तिष्क, लीवर, किडनी, गुर्दा जो भी हैं सब पानी से ही चलायमान है। इसलिए पानी निश्चित रूप से स्वच्छ होना चाहिए। एक गिलास आप पानी लें और पानी ले करके उसमें अपनी मनोकामनाओं को व्यक्त करें। व्यक्त करें, व्यक्त करने का मतलब एक गिलास पानी लें, पानी लेकर के जो आपकी मन की इच्छा है उस पानी में ऐसे देखते हुए और यह बोलें कि हमारी यह मनोकामना है। 3 बार बोलें, उस मनोकामना को बोलने से वह मनोकामना आपकी पानी में समाहित हो जाएगी। वह पानी जब आप पिएंगे ना तो आपके शरीर में जाके जो 80% पानी है वो मिल जाएगा। मिल जाएगा तो मन, बुद्धि, कार्य करने की क्षमता को वो प्रेरित करेगा। एक वृत्तांत बताता हूँ। मंदिर में आप जाते हो तो चरणामृत मिलता है तो खुश हो जाते हो। चाहे लड्डू मिले, फल मिले तो नहीं, लेकिन चरणामृत मिलना चाहिए। क्यों? आदिकाल की परंपरा है। क्योंकि मंदिर में सकारात्मक ऊर्जा होती है और पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णोर चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात वह पानी मंत्र से और सकारात्मक ऊर्जा को वो खींच लेता है। क्योंकि मंदिर कोई गाली देने नहीं जाता है, मंदिर में व्यक्ति निश्चित रूप से प्रभु के प्रति श्रद्धा लेके जाता है, तो वो श्रद्धा लोटे का जल खींच लेता है। इसलिए मनोकामना चरणामृत से पूर्ण होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जल से भी अपने आप मनोकामनाओं को पूर्ण करा सकते हैं। एक वैज्ञानिक थे, वह तमाम प्रकार से जल पे खोज कर रहे थे। उसमें वो क्या करते थे, जल को ले आते, गंदा जल, अच्छा जल, कुछ और अच्छा जल, कुछ आरओ का जल, कुछ फिल्टर का जल, उसे वो बर्फ जमा जमा करके देखते थे। तो उन्होंने लास्ट में लिखा कि जल निश्चित रूप से अपने आसपास के माहौल को खींचता है, क्योंकि मैंने ये पाया कि जिस स्थान पे जल होता है वहाँ के व्यक्ति जैसे सोचते हैं वैसे ही वहाँ का जल हो जाता है। इसलिए
आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए एक गिलास जल लेकर के अपनी मनोकामना को 3 बार 5 बार 7 बार सुबह बोल करके जल पीने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और निश्चित पूर्ण होंगी। कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा, हमारे ईमेल आईडी पे भी आप लिख सकते हैं। HS News को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, और एक छोटी सी घंटी का होती है और लोग ये कहते हैं कि उस घंटी को छू लेने से पहले वीडियो मिलता है, तुरंत आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाती है, तो ज़रूर उसको छू के देखिए ना, कितने सुंदर सुंदर वीडियो हम लोग डालते हैं, आप वंचित रह जाते हैं, तो ज़रूर आप छू करके देखिएगा, निश्चित रूप से आपका हर प्रकार से कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें HS News, और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।